इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट 1947, एक्ट नंबर 48 ऑफ 1947, इन एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग वेयर एज इट इज ए एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग द नर्स मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर्स। जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट है 1947, इसके एक्ट नंबर 48 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ट्रेनिंग रहेगा वो नर्स मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर के लिए है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कॉमर्शियरमेंट दिस एक्ट में कॉल्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947। इट एक्सटेंड टू हॉल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इंडिया में लागू होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है द काउंसलिंग मीन्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एक्ट। जो सेक्शन 16 में स्पष्ट साफ लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसलिंग मीन्स काउंसलिंग बाय बेयर नेम इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लॉ एंड स्टेट रेगुलेट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर इन स्टेट। उसके अलावा इसमें है वन मेंबर इलेक्टेड टू अमंग द हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग, वन मेंबर टू मेडिकल काउंसलिंग नर्स। उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग शैल बी बॉडी टू कॉपरेट बाय नेम ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग दैट हैव। इसमें बहुत सारे हैं तो इसको आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं। शेड्यूल, जैसे शेड्यूल क्या है कि इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन ज़रूरी है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग के लिए गए सर्टिफिकेट ऑफ जूनियर डिग्री नर्सिंग बाई एनी फॉलोइंग एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो दिए गए हैं अलग अलग कोर्स के आधार पर, और जो मान्यता प्राप्त हैं उनका है तो इसमें आप देख सकते हैं।